नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ विजेता घोष। नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर शुरू किया गया किसान आंदोलन अब हिंसक रूप ले चुका है और अब तक जो किसान अपनी मांग के समर्थन में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे उन्हीं किसानों पर आज देश विरोधी तत्वों के साथ हिंसा फैलाने का आरोप लग रहा है। एक और जहां किसान आंदोलन को 2 माह से अधिक का समय बीत चुका है, वहीं 26 जनवरी को जब पूरा देश गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा था, तब किसान आंदोलन की आड़ में ट्रैक्टर रैली के नाम पर दिल्ली के लाल किला समेत विभिन्न जगहों पर हिंसा फैलाई गई, जिसकी पूरे देश भर में निंदा हो रही है। इस घटना के बाद केंद्र सरकार हरकत में आई और दिल्ली पुलिस घटना में शामिल और इसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोषियों पर कार्रवाई करने में जुट गई है। बड़ी बात यह है कि 26 जनवरी के हिंसक आंदोलन के बाद भी यह किसान आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। मामला सिंघू बॉर्डर का है, जहां बीते शुक्रवार आंदोलनकारियों ने जमकर पथराव किया, लेकिन पुलिस यहां भी बेबस दिखाई दी। यहां पर सवाल यह है कि उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस और सरकार नाकाम क्यों है? क्या सरकार एक बार फिर से लाल किला जैसी हिंसक वारदात दोबारा होने का इंतजार कर रही है? हालांकि खबरों की माने तो किसान आंदोलन के नाम पर हुई हिंसा के बाद आंदोलन में शामिल किसान संगठन 2 खेमे में बंट गई है, जिसमें एक खेमा आंदोलन को जारी रखने पर अड़ा हुआ है, वहीं दूसरे खेमे ने हिंसा के बाद खुद को आंदोलन से अलग करने का फैसला ले लिया। वहीं गाजीपुर में धरने पर किसान नेता ने तल्ख तेवर अपनाते हुए कहा कि हालात चाहे जो भी हो, वह आंदोलन जारी रखेंगे। साथ ही सरकार पर दबाव बनाकर आंदोलन समाप्त कराने का आरोप भी लगाया। एक ओर जहां विपक्ष की ओर से सरकार पर किसानों के हित की अनदेखी करने का आरोप लगाया जा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष के नेता विरोधी दलों द्वारा राजनीतिक हित साधने के लिए किसानों को बरगलाने का आरोप लगा रहे हैं। इसी को लेकर बीते बुधवार की देर रात उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भारी पुलिस बलों को गाजीपुर बॉर्डर पर तैनात किया गया, जहां जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला, जिसे लेकर कहा जा रहा था कि जल्द ही गाजीपुर बॉर्डर को खाली करवा दिया जाएगा। वहीं भारी पुलिस बल को देख आंदोलन खत्म करने के ख्याल से घबराए किसान नेता राकेश टिकैत की आंखों में अचानक आंसू आ गया, जिसके बाद किसान आंदोलन को देश के अलग अलग क्षेत्र के किसानों की अब सहानुभूति भी मिलने लगी है। आपको बता दें कि 26 जनवरी को हुए हिंसा के बाद किसान नेता राकेश टिकैत पर देशद्रोह का मुकदमा दायर किया गया है, जिसको लेकर किसान का सरकार के खिलाफ आक्रोश और भी बढ़ गया है। अब देखना यह है कि सरकार और किसानों के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद कब खत्म होगा। किसान आंदोलन और 26 जनवरी को हुए हिंसक आंदोलन को लेकर बीते शुक्रवार को राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा को सर्वोपर रखने वाली मेरी सरकार इन कानूनों के संदर्भ में पैदा किए गए भ्रम को दूर करने का निरंतर प्रयास कर रही है। मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। मेरी सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी, उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं। वहीं तीनों कृषि बिल, किसान आंदोलन और इसकी आड़ में हुए हिंसा को लेकर बिहार के किसानों का क्या कहना है, आइए ये भी देखते हैं। किसान जो मतलब धान उपज करता है, गेहूं उपज करता है, दलहन और खरीफ और रबी फसल, ये दोनों जो हम लोग उपजाते हैं, इसका सही मूल्य नहीं मिल पाता है। सपोज द जैसे मान लीजिए अभी बिहार में पैक्स के माध्यम से धान खरीदा जा रहा है, ठीक, लेकिन पैक्स में यही समस्या है कि धान उसमें हम लोग बेचते हैं लेकिन सही समय पर पैसा नहीं मिल पाता है, और हमको बीच में अगर कोई ज़रूरतमंद काम पड़ जाता है और पैसा के अभाव में जो है हम लोग वो काम हम लोग के हाथ से फिसल जाता है। कि केंद्र सरकार जो नया 3 कृषि कानून बनाया है, हाँ, यह किसानों के हित में नहीं है,
या काला कानून है, किसान इस कानून के तहत हाँ। तमाम पूंजीपति इजारेदार जो है हाँ। उसका गुलाम होगा और आस्ते आस्ते सारा जमीन इन इजारेदार पूंजीपतियों का होगा। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए सिल टीवी। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे लाइक करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें।